सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोधा पलावा डाउनटाउन या एपिक में जो कासा एस्टेला बिल्डिंग है उसका जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है और पोजीशन अपडेट, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कासा एस्टेला है उसमें जो डी ई एंड एफ विंग है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 99% हो चुका है और वहाँ पे ऑलरेडी लोगों को पोजीशन मिल गया है और लोग रहने को आ गए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ई विंग दिख रहा है, इसके बाद आगे जो क्लस्टर है आपको दिखेगा, डी क्लस्टर दिखेगा, एफ क्लस्टर दिखेगा, जो कि पूरा पूरा रेडी है और वहाँ पे पोजीशन मिल चुका है। 10-12 बिल्डिंग्स को पोजीशन मिल चुका है कम से कम, और लोग अभी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डी विंग है, तो यहाँ पे भी पोजीशन मिल चुका है और धीरे धीरे और पोजीशन मिलेंगे। सो इसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊंगा जहाँ पे एक्चुअल में मतलब कंस्ट्रक्शन चालू है, जहाँ पे ए बी और सी क्लस्टर में आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन चालू है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सी विंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाहर का जो फिनिशिंग वर्क है वो अभी पेंडिंग है, वो छोड़ के अभी अंदर के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 85-90% काम हो चुका है और 10% काम पेंडिंग है। इसके बाद हम आगे आगे जैसे देखेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि डी के बाद सी, फिर बी विंग, फिर ए विंग। सो जो एकदम लास्ट जो बिल्डिंग है, मतलब जहाँ से आपको ओपन व्यू दिखेगा, वो है ए विंग। तो जिन्होंने भी ए विंग में बिल्डिंग या फिर फ्लैट बुक किया है, सो उनको बता दूँ कि उनको बहुत ही अच्छा ओपन व्यू मिल सकता है। अगर आपका ए विंग में किसी पर्टिकुलर उस ओपन व्यू की तरफ आपका फेसिंग है, तो आपको उस तरफ ओपन व्यू का जो है व्यू आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो आपको कंस्ट्रक्शन अभी दिख रहा है वो, जैसे कि मैंने बताया, सी विंग है। इसके बाद आगे का जो रहेगा वो बी विंग रहेगा, इसके बाद जो लास्ट रहेगा वो ए विंग रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जो लॉबी एरिया है, एंट्री एरिया है, वो सी विंग का वो आपको दिख रहा है कि अभी काम चालू है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे काम फुल फ्लेज ऑलमोस्ट डेली चालू रहता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सी विंग या बी विंग या ए विंग में पोजीशन कब मिलेगा, तो मेरे हिसाब से जून या जुलाई तक सबको पोजीशन मिल जाना चाहिए। जिन्होंने भी बुकिंग किया है ए बी एंड सी विंग में, उनको सबको पोजीशन मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बी विंग आपको दिख रहा है। इसके बाद जो लास्ट अभी जो दिखेगा आपको, जैसे मैंने बताया कि ए विंग में आपको ओपन व्यू मिलेगा, तो ये ए विंग का आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। सो यहाँ पे अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन के तैयार है, रेडी है, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत पोजीशन मिल चुका है। तो ये आगे के जो बिल्डिंग्स है, जैसे अभी आपको मैंने पहले ए से एफ तक बिल्डिंग दिखाया, अभी आगे के जो बिल्डिंग है एच तक जो बिल्डिंग है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको बाकी के जो बिल्डिंग्स है वो दिखेगा, जो एच विंग तक बिल्डिंग है वो आपको क्लस्टर सारे दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत जगह पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये पोजीशन देना चालू हो चुका है। और अभी लेटेस्ट अपडेट में आपको बताओ तो कम से कम 12 से 13 बिल्डिंग या फ्लैट्स का ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है कासा एस्टेला में। सो ये कासा एस्टेला अगर आपने बुकिंग किया है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए, या फिर कोई आपको अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट पे ज़रूर पूछिए। तो उसके बारे में अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाजू में एक जो MLCP या पार्किंग का जो कंस्ट्रक्शन है लेफ्ट साइड में, वो चालू है। सो यहाँ पे जैसे पहले मैंने उस साइड दिखाया था आपको, ए बी सी डी विंग दिखाया, ई विंग दिखाया था, अभी आपको ये आगे का जो एच विंग है और जितने भी पेंडिंग विंग्स है आपको दिखाऊंगा, जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको देख सकता है कि ये एफ जो क्लस्टर है आपको कासा एस्टेला एफ आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे, और आगे के जो क्लस्टर है वो आपको वहाँ पे भी दिखेगा कि थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है। सो ये एफ जैसे कि आपने देखा है क्लस्टर, इसके बाद ये जी क्लस्टर है जहाँ पे ये लॉबी से लेके बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है 100%। तो जिन्होंने भी या इस पर बुकिंग किया हुआ है तो उनको
पोजीशन डेट अगर मिल चुका है तो आपको एक्सपेक्टेड पोजीशन डेट पे वो आपको फ्लैट मिल जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखोगे तो जो लास्ट बिल्डिंग है वो एच बिल्डिंग है, एच क्लस्टर है। सो वहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉबी का थोड़ा कम पेंडिंग दिखाई दे रहा था। सो यहाँ पे भी अगर किसी ने बुकिंग किया है तो इसका भी ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है। तो आपको 2 या 3 महीने में या फिर मुश्किल से 2-2.5-3 महीने में आपको पूरा पोजीशन मिल जाना चाहिए। सो ये जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये जैसे जिस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये लग रहा है कि ये कोई पार्किंग या फिर कुछ और चीज़ का कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है, जितना मुझे समझ में आ रहा है शायद से कार पार्किंग या MLCP टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बुकिंग किया है तो उनको ये रिज़र्व पार्किंग या MLCP मिल सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कासा एस्टेला के बारे में बताया। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट पर ज़रूर पूछिए, तो आपको मैं अपडेट दे दूँगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और ऐसे ही वीडियो को साथ देते रहिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।